हेलो गाइस, आई एम हिमांशी। दिस इज अ सेवन्थ क्लास साइंस एंड द चैप्टर हमारा थ्री हिट्स ही है। हमारे रिविजन पार्ट से टू चैप्टर की मैंने रिविजन कंप्लीट कर दिया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे सकती हूँ, जो आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इसमें। तो इसमें हमारा सबसे क्वेश्चन नंबर वन है, तो स्टेट द सिमिलरिटी डिफरेंसेज बिटवीन द लेबोरेटरी जो थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, उसमें हमें समानता बतानी है। सिमिलरिटीज का मतलब समानता, डिफरेंसेज का मतलब उसमें क्या दोनों में डिफरेंसेज अंतर है। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है सिमिलरिटीज में, देखें कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है दोनों के सिद्धांत बोध और टेम्परेचर के हमारे थर्मोमीटर के सेम है। दूसरा क्या है कि बोथ आर द यूज मेजर टेम्परेचर, दोनों ही हमारे टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं। फिर तीसरा इसमें क्या है कि जो बोथ हैव द थिक वॉल, उनकी एक मोटी सी ग्लास की एक दीवार होती है जो उसके क्या नाम कैपिलरी ट्यूब से अब क्या जुड़ी होती है। फिर हमारे जो मरकरी यूज होते हैं बोथ में ही, बोथ ही थर्मामीटर में, ताकि हम टेम्परेचर को माप सके। बोथ हैव द सेलिस, दोनों का ही जो भी हम चाहे वो लेबोरेटरी का हो और क्लिनिकल हो, तो उसका जो टेम्परेचर सेलिस और फारेनहाइट में ही मापा जाता है, वही मार्किंग होती है उसमें दोनों में। फिर हमारे डिफरेंसेस क्या होंगे, तो ये क्या होगा जो लेबोरेटरी जो थर्मामीटर्स होता है वो यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को मतलब मापने के लिए, जो भी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं चाहे हमारे फैक्ट्री में होते हैं चाहे हमारे लेबोरेटरीज में होते हैं। वेर एज जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर है यूज टू मेजर द मेजर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बींग ओनली, वो केवल एक मानव का ही टेम्परेचर तापमान को ही माप सकते हैं। फिर सेकंड तक जनरली जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ द टेम्परेचर इन द रेंज, जो जो भी लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर की टेम्परेचर की जो रेंज होते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि क्लिनिकल जो थर्मोमीटर उसकी टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस से होती है हमारे 242 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जो यूजली लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है डज नॉट हैव एनी द कंस्ट्रिक्शन, मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रिक्शंस नहीं है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब उसको कोई भी मतलब उसको कंप्रेस करना है, कंसिस्ट करना किसी तरह का, इस तरह का नहीं कि हम उसको आसानी से कंसिस्ट कर सकते। लेकिन क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उसमें उसमें एक स्मॉल सा कंस्ट्रिक्शन है जो कि मरकरी ब्लड के पास होता है, जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो भी हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें हम जब भी उसको उसकी रीडिंग करते हैं तो हम उसको अपवर्ड सीधा करना पड़ता है, सीधे तरफ को देखना पड़ता है। लेकिन जब क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है हम उसको थोड़ा टेढ़ा करके ही उसकी रीडिंग को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। फिर मैं क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कि गिव टू एग्जांपल, बताइए हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर तो हीट, मतलब कंडक्टर का मतलब कहते हैं जिससे हमारी जो हीट है आसानी से पास हो जाती है, और लेकिन इंसुलेटर में नहीं होती है। अब कंडक्टर का जो हमारा कॉपर एल्युमिनियम आयरन, ये क्या काफ़ी गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, जो आसानी से पास आउट हो जाता है। आप देखना ज़्यादा के जो वायर्स होते हैं तो आपके कॉपर एल्युमिनियम के बने होते हैं। फिर हमारा जो इंसुलेटर होता है, और इसमें हम स्टील भी कह सकते हैं, स्टील भी होता है। फिर इंसुलेटर हमारा वुड होगा, वाटर होगा, एयर होगा। तो ये क्या इंसुलेटर होता है जिसके मतलब क्या होता है कि जो हीट आसानी से पास नहीं हो पाती। आगे देखते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में हम फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें देखते हैं कि जो हॉटनेस ऑब्जेक्ट ये डिटरमाइन, मतलब ये कहते हैं कि जो भी गर्म होना किसी भी ऑब्जेक्ट्स को वो क्या डिटरमाइन करता है, वो हमारा डिटरमाइन करेगा टेम्परेचर को। सेकंड है इसमें जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर। अब जो भी भाई बॉयल हमें क्या करना है, पानी पानी उबल रहा है तो उसका टेम्परेचर किससे मापेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं करेंगे, तो उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम कर पाएंगे। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो तो केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापता है। फिर हमारे टेम्परेचर मेजर मोस्टली किस होते हैं सेल्सियस डिग्री से। फिर हमारा नो मीडियम द रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, अब रेडिएशन से जो रेडिएशन होती है मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसे हीट हो रही है तो उसके आसपास का जो हवाएं होती है वो गर्म हो जाती है, तो लेकिन इससे के लिए किसी भी हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ना किसी वायर की किसी, तो वो उसका रेडिएशन होता है। फिर हमारा जो कूल स्टील स्पून है, यदि हमने उसको हॉट मिल्क में उसको क्या कर दिया, हमने उसको डिप कर दिया, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगी वो चम्मच भी काफ़ी हीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्टील भी है हमारा क्या एक तरह से कुंड कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्शन है। ठीक है, फिर हमारा आगे है कि जो क्लोथ है, यदि हम मतलब जो डार्क कलर के जो क्लोथ होते हैं जो हमारा ब्लैक होगा रेड वगैरह होगा, तो ये काफ़ी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके अनुसार बेटर? लाइट लाइट कलर के, लाइट जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए हम जो डार्क कलर के जो कपड़े पहनते हैं मोस्टली विंटर में पहनते हैं, और लाइट कलर के हम पहनते हैं मोस्टली समर में। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव की रीजन कर लेते हैं, तो इसमें मैचिंग करना है। अब जो लैंड ब्रीज है, लैंड ब्रीज कहाँ पाई जाती है, वो लैंड ब्रीज होती है हमारी नाइट में, ठीक है, नाइट में लाइट में ब्लो करती है। अब जो सी ब्रीज है, सी ब्रीज कैसे करती है, वो हमारे डे में, वो हमारे डे में चलती है। फिर हमारा जो डार्क कलर जो क्लोथ है कहाँ पर प्रिफर किया जाता है, मोस्टली डार्क कलर के कर जाते हैं विंटर में, और यदि लाइट कलर के क्लोथ देखें तो हमारे वो समर में, क्योंकि समर में लाइट कलर के पहनते हैं कि जो भी हीट बाहर की जो हीट होती है वो क्या होती है कि हमारे शरीर को ना ही इफेक्ट करे, क्योंकि जो उससे जो एयर जो ट्रैप हो जाती है वो उससे क्या हो जाता है कि बाहर की हीट को नहीं वो जाने देती, इसलिए हमें गर्मी ज़्यादा फील नहीं होती लाइट जब हम लाइट कलर के कपड़े
पहनते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करना है कि वाई वियरिंग द मोर लेयर ऑफ द क्लोथिंग ड्यूरिंग द विंटर इन द कीप एज द वार्मर दैट इज द वियरिंग जस्ट इन द वन द थिक द पीसीज ऑफ द क्लोथिंग। मतलब कहते हैं कि हम मतलब बहुत सारी लेयर्स के हम सर्दी में कपड़े पहनते हैं, मतलब कहते हैं ना 3-3 4-4 5-5 6-6 कपड़े इस तरह से पहनते हैं, इनर भी फिर इसके ऊपर स्वेटर्स भी ये वो तो पहनते हैं, लेकिन एक पीस कहते हैं क्यों पहनते हैं। तो इसमें आंसर दे सकते कि जो एयर होती है गेट द ट्रैप्ड बिटवीन द टू लेयर ऑफ द वार्म क्लोथ। अब कहते हैं कि दो कपड़े पहन लिए कि जो बाहर से हवा है वो वहीं पर फंस कर रह गई, और क्या होती है एयर जो एक्ट करता है इंसुलेटर, ऊपर देखा ना हमने कि इंसुलेटर कौन कौन से एयर था वो उठता थी, इंसुलेटर का मतलब वो क्या है हीट को जल्दी से एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, जो वहीं पर ट्रैप हो जाती है ठंडी हवा आ रही होती है बाहर के एनवायरमेंट से। इसी तरह से जो दिस द लेयर प्रिवेंट हमारी बॉडी को जो हीट में हमारी जो बॉडी में हीट है उसको मतलब वहां तक जो मतलब जो ट्रैप हो जाती है हवा वहां तक नहीं पहुंच पाती जो भी हमारे सराउंडिंग में ठंडी हवा होती है। अब जो मोर लेयर होती है तो थिन जो क्लोथ मतलब बहुत सारे हम पतले पतले जो कपड़े पहनते हैं बहुत सारी लेयर्स में वो क्या करते हैं कि वो वहीं पे क्या करते हैं उन्हीं के बीच में फंस कर रह जाती है हवा, और इसका मतलब क्या होता है कि हमें ठंडी फील नहीं होती, मतलब हमें सर्दी फील नहीं होती। सो द वियरिंग द मोर लेयर, इसलिए हमें ड्यूरिंग मतलब विंटर में सर्दी में क्या पहनते हैं बहुत सारी लेयर्स के कपड़े पहनते हैं, दैट द वियरिंग द जस्ट द थिन द पीस ऑफ द मतलब एक पतले कपड़े की जगह ज्यादा लेयर्स पहनते हैं। यदि हम ज्यादा पतला पहनेंगे तो हमें क्या होगा बाहर की जो हवा हमारे शरीर पर इफेक्ट करेगी और हमें बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं कि हमें मतलब मार्क करना है वेयर इज द जो हीट है ट्रांसफर बाय कंडक्शन क्या है, कन्वेंशन क्या हो रहा है और हमारा रेडिएशन क्या हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि इसमें देखो ये वाला है तो इसमें क्या हो रहा है कि कंडक्शन है, यहाँ से क्या रहा है यहाँ से जो हमारी आग है वो यहाँ से पास हो गई मतलब यहाँ तक पहुँच रही है। अब जब यहाँ तक ही पहुँच रही है इससे क्या होगा आसपास का जो एनवायरनमेंट है ये साइड की जो हवा क्योंकि वो हमारी गर्म हो जाएगी तो ये रेडिएशन हो जाएगी, इसलिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब जो इसके अंदर जो पानी है मतलब इसके अंदर जो पानी था वो क्या वो भी गर्म होगा, इसका मतलब क्या होता है कन्वेंशन, ये हमारा कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हमारे गर्म चीज़ है यहाँ से आया, अब ये पानी तो ठंडा था लेकिन जब हम इसे हीट लगे तो क्या हो गया ये पानी भी गर्म हो गया, तो ये कन्वेंशन का मतलब होता है कि हॉट सब्सटेंसेस हॉट ऑब्जेक्ट से जब एक कोल्ड ऑब्जेक्ट्स तक कोई भी जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हमारे कन्वेंशन कहते हैं। तो ये आपको आई अच्छी तरह से समझ गया हो गया ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब क्या होती है ये जो भाई अभी स्टील है जो भी स्टोव है ये कौन कंडक्शन है यहाँ से पास हुई तो ये इसमें जो भी हमारा पैन है यहाँ तक पहुँची और उसके बाद जो पानी था ठंडा था वहाँ तक इस हीट की वजह से वो हमारा क्या हो गया तो वो हमारा हीट हो गया। ये आप याद कर लेना तो आपको एग्जाम में आ सकता है। फिर हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि इन द प्लेस ऑफ द वर्ड द क्लाइमेट इट इज द एडवाइस दैट द आउटर द वॉल्स ऑफ द हाउस बी द पेंटेड द वाइट। अभी कहते हैं कि जो भी भाई बहुत सारा जो गर्मियों का जो मौसम होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें एडवाइस दी जाती है कि जो हमारे घर जो घरों की दीवार है बार वाली दीवार है तो उस पर हल्का पेंट हल्के कलर का पेंट करा क्यों होती है, तो इसलिए होती है कि जो हम प्लेसेस रखते हैं कि जो हॉट क्लाइमेट में क्या होती है कि एडवाइस दी जाती है कि जो आउटर पार्ट होता है हमारे घर का वो वाइट कलर का क्यों, क्योंकि जो कलर होता है जो भी एक लाइट कलर होता है वाइट जो कलर होता है हमेशा जो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ इट मतलब कहते हैं कि जो भी हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस उसको भेज देता है, तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी इस पे मतलब हाउस की दीवार पे जाएगी फॉल होने से उसको रोकता है, तो इससे क्या होगा कि कैन वी कैन द से इट एब्जॉर्ब द लेस हीट। ये क्या होगा कि जो भी आया भाई जो वाइट कलर हुआ तो हीट आया हीट क्या रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट करने में वो जो कुछ ही पार्ट रहेगा कि जो वो थोड़ा बोड़ा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसलिए जो हीट होती है जो वाइट कलर होती है कम हीट को एब्जॉर्ब कर पाती है कब ताप को एब्जॉर्ब कर पाती है। फिर इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर होता है जो इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज द वेरी वेरी मच मतलब ये क्या होता है कि जब वो रिफ्लेक्ट होगी जो हीट रिफ्लेक्ट होगी तो अंदर का जो टेम्परेचर हमारे रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा और ना ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसलिए हमें क्या होगा ठंडक फील होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में दिया है कि हमें कि 1 लीटर ऑफ द वाटर एक लीटर पानी है ठीक है उसमें 30 डिग्री सेल्सियस है, यदि मतलब एक लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस में हमने उसको दूसरे एक लीटर वाटर में हमने उसको ऐड कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस तो कह रहे हैं टेम्परेचर कितना होगा, पर ये क्या होगा जी टेम्परेचर 30 से और 50 के बीच में मतलब इसको ऐड कर देंगे तो ये इन दोनों के बीच में ही टेम्परेचर रहेगा। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर में दिया है कि एक जो आयरन है आयरन बोल है मतलब जैसे वो होता है कि जो लोहे की मतलब बोल है छोटी सी तो वो है उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर आ रहा और हमने ड्रॉप कर दिया एक मग है जिसका भी 40 डिग्री भाई 40 डिग्री आयरन का टेम्परेचर और हमने इसे एक मग में कर दिया उसका भी 40 डिग्री टेम्परेचर, अभी कह रहे हैं कि हीट विल बी ब्लो क्या
क्या फ्लो होगी, हीट नहीं होगी, क्योंकि वो आयरन होते वो क्या होगी, जो आयरन होते पानी में वो पूरी कंडक्टर नहीं होगी, तो वो क्या नो रिट फ्लो इनटू, ना तो जो टेम्परेचर जो हीट होगी आयरन बोल में जितनी है, ना तो वाटर में जाएगी और नहीं वाटर वाली हमारे आयरन बोल में जाएगी। ताजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है कि वुड स्पून इज द डिप्ड इन द कप ऑफ द आइसक्रीम। अब भाई एक लकड़ी की चम्मच है, हमने उसको एक कप जिसमें आइसक्रीम रखी उसमें डिप कर दिया, भाई यहाँ पे सपोज कर आइस रखी है, ये मैंने वुड की चम्मच डाली, तो कह रहे इट इज द अदर एंड। अभी आप बताइए कि क्या वहाँ पे आपको कुलने जाएगी, बट देखो ये क्या होता है, वुड होता है, वो क्या होता है, ये इंसुलेटर्स होता है, मतलब इससे कोई भी हमारी हीट पास नहीं होगी, तो ये क्या होगा कि वुड से जो वुड का टेम्परेचर है ना, तो इसमें आइसक्रीम में जाएगी, तो हमें डज नॉट द बिकम द कुल, लेकिन चम्मच में है क्या बिल्कुल भी हमें वो ठंडक फील नहीं की, तो डज नॉट बिकम द कुल, वो कोल ठंडी नहीं होगी जो वुड की चम्मच है। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट फॉर रीजन के लिए, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11। अब स्टेनलेस तो स्टील है, पैन है, तो वो क्या कह रहा है कि वो हमारे पास यूजली तो प्रोवाइडेड विद अ कॉपर बॉटम, उसकी जो जो स्टेनलेस जो स्टील्स होती है पैन की, तो उसकी जो तली होती है वो कॉपर की बनी होती है। अब रीजन बताइए दिस इट को, कॉपर की क्यों बनी होती है, भाई सिंपल है, भाई कॉपर इज द बेटर कंडक्टर, कॉपर बेटर कंडक्टर है हीट का देन द स्टेनलेस स्टील के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसलिए जो स्टेनलेस जो स्टील है, क्योंकि ऊपर वाला जी कहते हो नीचे ज़्यादा हीट जाएगी, ऐसे जो भी हम यहाँ पे हवा करेंगे वो भी गैस वगैरह स्टोव पे रखेंगे तो ज़्यादा हीट इस पर फील होगी, इसलिए उस पर कॉपर की नीचे परत होती है। तो इसकी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और अब करते हैं हम रिवीजन चैप्टर 4 की, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। This is the between acid and basis, very very important question, ये आप करके जाना, तो ये क्या इसके differences है, तो मैं इसी it is the taste is sorry, इसका जो टेस्ट है स्वाद है वो हमारा खट्टा है, लेकिन इसका बेसिस का देखिए बिटर है। अब व्हेन द एडेड इन लिटमस सॉल्यूशन, जब हम एसिड को लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होगा, उसमें ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं तो वो रेड में टर्न हो जाता है। अब ये कहते हैं एसिड और रेड, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड की कुछ डेंजर्स ही होती है जो हमें नुकसान पहुँचाती है, वो रेड जिसको रिलेट करते हैं एसिड रेड, और जो बेसिस होता है वो हमारे लिए क्या नाम यूजफुल है, तो यूजफुल है हमें क्या, हमें क्या है राहत पहुंचाते हैं, तो ये क्या होता है कि जब लिटमस सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं इसके किसी भी सब्सटेंसेस को, तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या होता है एसिड्स, क्या होता है हमारे कर्ड होगा, लेमन जूस होगा, विनेगर होगा, सिरका होगा, और हमारे बेकिंग सोडा होगा, सोप होगा, लाइम लाइम वाटर होता है हमारे चूने का पानी। फिर हमारे सेकंड क्वेश्चन है इसमें, अमोनिया इज द फाउंड इन द मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो अमोनिया होता है वो काफ़ी हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे हमारे विंडो क्लीनर है, तो ये क्या होता है, ये हमारे ये रेड लिटमस, जब हम रेड लिटमस पेपर पे इसको डालते हैं तो ब्लू हो जाता है, तो ये कौन सा नेचर, तो ब्लू होगा तो किस तरह का बेस होगा, यदि वो रेड होता कैसा होता, वो एसिड को, लेकिन यहाँ पे बेस को हो गया। आके देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि हमारे नेम और सोर्सेज बताना है, विच द लिटमस जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे ऑब्टेंट होते हैं, तो व्हाट इज द यूज, और इसका क्या क्या यूज होता है, जो लिटमस होता है एक्सट्रैक्टिव फॉर्म था ए लिचन, लिचेंस जो पेड़ होता है तो उसे वो निकाला जाता है, ये इसका मोए पर्पल कलर का होता है, जो इन द डिसलेट वाटर जो प्योरली पाउडर होता है, या बॉयल किया हुआ वाटर, व्हेन द एडेड, जब हम इसमें डिसलेट वाटर में जब हम एसिड सोल्यूशन डालते तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम बेस को डालते तो ब्लू में हो जाता है, तो सो इट इज द यू टू टेस्ट, अब इसको क्या करें टेस्ट करना है एसिडिटी एंड बेसिस द नेचर इन द सॉल्यूशन, इसको मतलब टेस्ट करते हैं एसिड को और बेसिस की किस तरह का हमारे जो थिंग्स एसिड्स हैं या बेसिस है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इज द डिसलिस्ट वाटर द एसिड द बेस इन द ए नेचुरल, जो भी डिसलिस्ट वाटर होता है उसमें क्या वो एसिड है बेस है या हम नेचुरल, नेचुरल मतलब जिसका कोई भी कलर नहीं होता, तो हाउ वुड यू वेरीफाई, किस तरह वेरीफाई, डिसलिस्ट वाटर होता है ये नेचुरल होता है, नेचुरल का मतलब क्या होता है कि जो एक बाई नेचर नेचुरल बाई नेचर होता है जिसका कोई भी हमारा कलर नहीं होता, वी कैन वेरीफाई इट वाज, हम इसको किस तरह वेरीफाई लिटमस टेस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, जो वाटर होता है डज नॉट चेंज, क्योंकि वाटर कभी भी अपना कलर नहीं चेंज करता, ना तो रेड होता ना ही वो ब्लू लिटमस होता है। फिर हमारे इसमें आगे देखते हैं कि हमारे डिस्क्राइब करना जो प्रोसेस ऑफ ओदो क्या है न्यूट्रलाइजेशन की किस तरह से प्रोसेस होते हैं, किस एग्जांपल के हेल्प से मैं इसको बताना है। वैन जब जब कोई भी एसिड सॉल्यूशन होता है वो बेसिस सॉल्यूशन होता है, हमने बेस कर देते हैं, मतलब बराबर मात्रा में दोनों का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, बेस का भी और हमारा किसका हमारा एसिड का भी, जो बोथ आर एसिडिक नेचर इज द एसिड, जो दोनों में एक तो एसिडिक नेचर वाला होगा और दूसरा बेसिक नेचर वाला होगा, आर द डिस्ट्रॉय, जब बराबर मात्रा में करेंगे दोनों ही अपना नेचर खत्म कर देंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर हमारी
द रिजल्टिंग द सोल्यूशन इज नीदर द एसिडिट ना बेसिस, ना तो उसका रिजल्ट अब ना तो एसिड होगा ना ही बेसिस होगा, बिकम नेट्रोल, वो क्या होगा नेट्रोल हो जाएगा, नेट्रोल मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता, यही हमारी नेट्रोलाइजेशन रिएक्शन होता है। फिर उसको किस तरह से कर सकते हैं फिल, हमें क्या करना है कि एक बटे चार इसे टेस्ट ट्यूब को करना है हम किसी में डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, एक बटे चार करना है। फिर कुछ ड्रॉप हमें लिटमस सोल्यूशन पे उसकी डालनी है। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है कि कुछ बूंदे डालनी है उसमें जो भी हमारा सॉल्यूशन है लिटमस सॉल्यूशन पे। नाउ द कलर, जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम, यदि हमारा जो कलर है मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है और हमने उसमें कुछ ड्रॉप पे लिटमस सॉल्यूशन की डाल दी और यदि उसका कलर क्या हो जाएगा रेड, क्योंकि ये एसिड एसिड डाला हमने तो रेड हुआ। उसके बाद हमने जो एसिड जो सॉल्यूशन में हमने कुछ जो ड्रॉप्स होते हैं सोडियम हाइड्रोसाइड क्लोर मतलब उसकी सॉल्यूशन डाली, क्योंकि वो बेस होता है, वो जब वन बाय वन करेंगे उसके मात्रा में तो इधर ट्यूब जेंटली, जैसे जैसे हम उसमें हाइड्रोसाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो हम उसको साथ साथ हिलाते रहना है। अब जब कंटिन्यूस एडिटिंग, जब हम लगातार उसमें सोडियम हाइड्रो करेंगे जो सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप करते रहेंगे स्टिर करते रहेंगे जो कलर बिकम द ग्रीन, क्या बन जाएगा उसका कलर ग्रीन बन जाएगा। अब जब हम कह सकते हैं जो इफेक्ट हो जाए हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड ए न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बाय द बेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोसाइड, मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो अपना कलर खत्म कर देगा, और किसके द्वारा, जब भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको डाला है, क्योंकि वो ग्रीन कलर में होगा, ना तो उसने कलर दिया ना उसने कलर दिया, रेड दिया ब्लू दिया कि ग्रीन हो गया, तो हम न्यूट्रलाइजेशन हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स देता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारा ट्रू फॉल्स बताना है, और उसमें क्या है कि जो नाइट्रिक जो एसिड है वो क्या होगा रेड लिटमस पेपर से ब्लू में बदल जाएगी, तो क्या ये सही है, जो नाइट्रिक जो एसिड क्या होगा एसिड तो हमारा कि रेड में बदलेगा लेकिन ये ब्लू बताया तो फॉल्स है। दूसरा हमारा क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोसाइड ट्रेंड ब्लू बुलेटिन में रेड, लेकिन सोडियम जो हाइड्रोसाइड बेसिस है बेसिस किस में कन्वर्ट होता है वो हमारा ब्लू में होता है, तो ये तो रेड बता रहा है तो ये भी हमारा फॉल्स है। फिर हमारा सोडियम जो हाइड्रोसाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है न्यूट्रलाइज हो जाएगा ईच अदर एक दूसरे को कि इन द फॉर्म इन द साल्ट इन द वाटर, क्या होगा कि जो भी ये दोनों अपना कलर को खत्म कर देंगे तो साल्ट और वाटर इन दोनों में क्या न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। फिर हमारे इसमें है ये हमारा क्या है ट्रू है। फिर हमारे देखते हैं कि जो इंडिकेटर इज द सब्सटेंसेस विच द शो द डिफरेंट कलर इन द एसिडिक एंड बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कहते हैं कि जो भी इंडिकेटर होता है किसी भी वस्तु का वो ये दिखाता है कि ये अलग अलग कलर में दिखाते हैं कि एसिड है बेसिस, सही है दिखाता है भाई, यदि एसिड होगा तो रेड दिखाएगा, यदि हम उसको रेड लिटमस पेपर से वो क्या नाम सॉरी ब्लू लिटमस पेपर से करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, और यदि बेस होगा तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर से रेड्स में कन्वर्ट होगा। फिर हमारा जो टूथ डिके इज द कॉजेज बाय द प्रेजेंट ऑफ बेसिस, मतलब जो हमारे दांतों की जो बीमारी वो किससे होती है, वो हमारे बेस होते हैं, नहीं तो बेस तो नहीं होता, वो तो हमारे एसिड की वजह से होता है, ये भी हमारा फॉल्स है। फिर हमारे इसमें है क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया है कि एक डोर्जी है वो एक कुछ बोटल उसके पास क्या सॉफ्ट ड्रिंक किया है और रेस्टोरेंट में, तो वो अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि दे आर द नॉट लेबर, लेकिन उसके पास वो लेबर नहीं होता, वो क्या करेगी वो सर्व करेगी ड्रिंक को, वो डिमांड ऑफ कस्टमर, मतलब किसी कस्टमर को कैसे चाहिए, तो वन कस्टमर वांट एक तो चाहता है कि उसको एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरा चाहेगा कि उसको बेस वाला चाहिए, तीसरा चाहेगा कि उसको न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए, तो वो किस तरह से डिसाइड करेगी एंड विच द ड्रिंक टू बी द सर्व टू होम, और वो कौन सा किसको किस हिसाब से देगी, तो किस तरह से चेक करेगी, तो इसका जो आंसर है उसका वो है उसको क्या करेगी वो जो ये भी हमारा जो ड्रिंक होगा जो भी उसके पास है जो लेवल की नहीं वो क्या करेगी उसको लिटमस पेपर पे डालेगी और देखेगी उसके अकॉर्डिंग उसका क्या रिजल्ट निकलता है, यदि वो ब्लू में टर्न हो जाए, यदि मतलब ब्लू हो जाए तो क्या हो जाएगा बेस होगा, यदि रेड में होता है एसिड होगा, और यदि वो ग्रीन में हो जाए तो ग्रीन में हो जाएगा न्यूट्रल, तो ग्रीन में उसमें यदि ग्रीन कलर है तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आगे देखता है कि इस तरह से वो सर्व कर पाएगी। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर एट में एक्सप्लेन किया था एंटासिड जो टेबलेट है एंटासिड टेबलेट है व्हेन यू सफर फ्रॉम द एसिडिटी, जो एसिडिटी तो जब आप वो दी जाती है तो किस तरह से आप उसको आंसर लिखना है कि एक्सप्लेन करना है क्यों दी जाती है, तो ये कहते हैं कि ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जब काफ़ी मात्रा में हो जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो एंटासिड जो टैबलेट है वो क्या करती है बेस है जिसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो वो क्या करती है वो उसको क्या करती है उसके जो एसिड के जो असर होता है उसको कम करती है, वो न्यूट्रलाइजेशन करेगी इफेक्ट ऑफ जो भी ज़्यादा एसिडिड हो जाए और हमें रिलीफ कर देगी, तो इसलिए वो दिया जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे क्लेमाइन जो सोल्यूशन है अप्लाई करती है ऑन द स्किन पे, जो सोल्यूशन जब भी हमें कोई चींटी काट लेती है, ठीक है, आंट बाइट्स कर लेती है, तो हमें क्यों दी जाती है, जो
जो स्ट्रिंग जो डंक होता है जो आंट का कंटेंट था फॉर्मिक एसिड होता है। पूछा जाता है कि जो आंट के डंक में क्या होता है, वो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, वो हमारा इरिटेशन करता है हमारी, मतलब खुजली स्टार्ट करता है या कोई रैसेस कर देगा। तो क्लेमेन जो सोल्यूशन है उसके पास जिंक कार्बोनेट होता है उसमें, तो वो क्या करेगी, बेस है तो वो क्या करेगी, क्लेमेन जो सोल्यूशन है नेचुरलाइज कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी उसको, किसको, एसिड्स को, इफेक्ट जो भी आंट ने बाढ़ करा, और हमारी स्किन को क्या कर देगी, वो सही कर देगी। फिर हमारा तीसरा इसमें जो जो फैक्ट्री जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है कि वो भी जो जो वाटर बॉडी जो उसमें रिलीज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, जो वेस्ट होती है बहुत सारे जो फैक्ट्री का उसमें एसिड्स होता है बहुत सारे, तो दे कैन अलाउ इन द इन द टू फ्लो द इन टू द वाटर, यदि हम उसमें डाल देंगे तो जो एसिड होगा, एसिड विल द किल द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब यदि हम इसको ऐसे बहा देंगे जो भी हमारे पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म उसको एसिड खत्म कर देगा, उसको मार डालेगा। तो इसलिए क्या होगा, जो फैक्ट्री जो वेस्ट है वो क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर सकती है बाय द एडिटिंग द बेस जो बेसिक सब्सटेंसेस है उसको ऐड कर देगी और उसके जो एसिड्स को असर को कम कर देगी, खत्म कर देगी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया है कि हमारे थ्री लिक्विड हैं आपको दिए गए हैं, तो इसमें एक तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा हमारा सोडियम हाइड्रो है, और दूसरा हमारा शुगर सॉल्यूशन है। तो कह रहे कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, तो यू हैव द ओनली द आप द टर्मिक आपका टर्मिक इंडिकेटर, आपके पास क्या हल्दी का इंडिकेटर तो आपको बताना है, ठीक है, तीनों में से। अब टर्मिक एक येलो कलर का होता है, अब पीले कलर का होता है, यदि हम उसमें बेस को ऐड करेंगे तो वो हमारे पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे विच टर्मिनिक रिमेन द येलो वैन, यदि लेकिन यदि वो येलो ही रहे तो हम कहेंगे उसमें एसिड है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन एडिड टू, तो उसमें क्या होगा, वो येलो ही रहेगा यदि हम न्यूट्रल का कोई भी सॉल्यूशन डालें या हमने एसिड डाले, और यदि हमारा कोई बेस होगा तो बेस को ऐड करेंगे तो वो हमारे पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी सेल इन द परफॉर्म द प्रोविंग स्टेप आइडेंटिफाई सॉल्यूशन इन द बेस, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे परफॉर्म करते हैं कुछ स्टेप्स को जिससे हमारा जो सॉल्यूशन है बेस है एसिड है या न्यूट्रल है इसको। तो अब देखते हैं इसमें कि जो हमारे कुछ हमने कुछ ड्रॉप लिया है हर सॉल्यूशंस की और हमने टेस्ट करना है इन द विद टर्मेरिक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन द टर्न इनटू यदि पिंक में कलर में बदल जाएगा सॉल्यूशन तो क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा, इसका मतलब सोडियम जो हाइड्रोक्सल हाइड्रोसाइड है मार्क दैट इज द बीकर, हम क्या करेंगे भाई इसमें तो सोडियम हाइड्रोसाइड हमने मार्क कर देंगे स्पीकर पे, ठीक है, यही बेस है। फिर हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में लेते हैं कुछ बूंदे और कि बेस सॉल्यूशन की, और सेकंड मतलब पहले तो हमने इसमें ली इसमें टेस्ट ट्यूब में, और फिर इसमें कुछ ऐड डाल देंगे बेस सॉल्यूशन की सेकंड सॉल्यूशन में। अब देखते हैं कि जो ट्यूब है बिकम द वार्म, ये यदि वो हीट करेगी, मतलब क्या करेगी, वो हीट कर रही है और हमारा ऐड हम टर्मिक सॉल्यूशन को उसमें डालेंगे तो इट कलर डज नॉट, वो चेंज भी नहीं होगा, मतलब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें इसका मतलब सॉल्यूशन है कि उसमें एसिड है, तो इसमें जो टेस्ट में बिकम कहते हैं कि वो वार्म है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, की इस टेस्ट में कि किस तरह से गर्म होगा न्यूट्रलाइजेशन होगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब जब ही टेस्ट ट्यूब में अबो द सोल्यूशन डज नॉट वार्म, ना तो ऊपर वाले में वो गर्म करा और ना ही वो पिंक कलर में वो क्या हुआ उसमें चेंज हुआ, तो हमने जब टर्मेरिक ऐड करा तो हमने देखा कि ये न्यूट्रल है। मतलब कहते हैं कि इस समय कहते हैं कि जब भी हम उसमें सॉल्यूशन ऐड करेंगे, भाई हमने बेस को सॉल्यूशन ऐड करा तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें तो पिंक कलर में है, जब हमने एसिड का डाला तो उसमें वो वार्म हुआ, ठीक है, लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ, तो हमने बोला एसिड है। लेकिन यदि उसमें ना तो वार्म हो ना ही तो पिंक कलर हो, इसका मतलब क्या हुआ, हम न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्लू लिटमस पेपर है हमने डिप किया इन सॉल्यूशन में और वो हमारा ब्लू रिमेन हो गया, मतलब वो ब्लू ही रह गया, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सोडियम, किस तरह का होगा, तो ब्लू है तो ये कह रहेंगे इफ द ए ब्लू लिटमस पेपर व्हेन द डिपिट, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को हम इन सॉल्यूशन में करेंगे तो रिमेन इन द ब्लू, इट इंप्लाई द सॉल्यूशन इधर, या तो भाई यदि ब्लू है इसका मतलब या तो वो सॉल्यूशन बेसिस है या वो न्यूट्रल है, कोई सा भी हो सकता है इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कंसीडर करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट को, भाई हमारा इसमें बताना भी इसमें क्या करना है, फिर देखिए विच दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से इसमें से करेक्ट है, भाई इसमें दोनों है कि ये कह रहे कि बोथ जो एसिड बेस चेंज कलर इन द ऑल इंडिकेटर, कि दोनों ही जो एसिड जो बेस होता है वो अपना कलर को चेंज करता है सब इंडिकेटर में, नहीं ऐसा भी नहीं, वो नहीं करता तो न्यूट्रल भी हो सकता है, तो ये हमारा फॉल्स, ये तो हो ही नहीं सकता। इफ द इंडिकेटर गिव द कलर द चेंज विद एसिड, यदि एसिड के साथ कलर करेगा तो वो बेस के साथ चेंज नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है, यदि इंडिकेटर हमारा क्या करता है चेंज हो जाता है बेस के साथ वो एसिड के साथ, ये भी नहीं, ये भी हमारा गलत है। और इसमें देखते हैं कि चेंज ऑफ द कलर एंड द एसिड एंड द बेस द डिपेंडिंग टाइप, ये टाइप ऑफ इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसमें क्या चीज़ है, तो ये हमारा ट्रू है, तो ओनली जो हमारा डी है ये हमारा ट्रू है। तो इसमें करते हैं अगला।
चैप्टर फाइव है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसकी रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें क्या क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्विंग द फ्लोइंग प्रोसेस एज द फिजिकल केमिकल चेंजेस। अभी कह रहे कि इसमें क्या मतलब बताइए कि इसमें केमिकल चेंज है फिजिकल। अब ये कहे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, क्या केमिकल, जहाँ केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो भी हमारा वाटर है मिनरल्स वगैरह है, या फिर हमारे जो भी हीट्स वगैरह है, जो भी हमारे ली जा रही है इसमें मिनरल्स वगैरह, क्या नाम, इसके पत्ती, उसके द्वारा जो भी खाना बनाते हैं वो एक केमिकल चीज में क्या होते हो, जो भी खाने स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है किसमें, हमारे पेड़ों वगैरह में। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। फिर डिसोल्व सुगर इन द वाटर, अब ये कह रहे कि जो हमने चीनी को घोल दिया पानी में, तो वो तो पानी तो रहेगा है ना, यदि हम क्या करेंगे पानी को उसको अलग कर सकते हैं, जैसे हम हीट करके सुगर नीचे रह जाएगा, फाटर हो जाएगा। तो ये की तरफ ही हमारे फिजिकल चेंजेस है। फिर बर्निंग ऑफ कोयल, और कोयल यदि जल जाता है तो क्या एसिड में कार्बन में स्टार्ट होता है, फिर हीट भी रिलीज होगी, तो वो क्या हमारे केमिकल चेंजेज है। मेल्टिंग द वैक्स, मोम को हम पिघाल देते हैं, तो वैम मोम को यदि हम पिघाल देंगे तो क्या होगा, वो हमारे ठंड होने के बाद फिर हम उसको मोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज ए फिजिकल चेंजिंग। फिर हमारे बीटिंग द एल्युमिनियम टू द मार्क एल्युमिनियम फॉयल, अब ये कहते हैं कि हमें एल्युमिनियम को हमने पीट दिया, उसको पतली उसकी परत बना दी, तो क्या एल्युमिनियम फॉयल, भाई एल्युमिनियम फॉयल है लेकिन उसकी जो आप कह सकते हो कि एक रहेगा तो एल्युमिनियम ही, मतलब उसमें चेंज ही फिजिकल चेंज में, लेकिन वो क्या रहेगा एल्युमिनियम का सब्सटेंसेस रहेगा। तो ये क्या फिजिकल चेंज है। और डाइजेशन ऑफ द फूड, मतलब कहते हैं कि हमने खाना खाया तो खाना जो पचाया तो वो किस में रिलीज होगा, हमारे एनर्जी में रिलीज होगा, फिर हमारे वेस्ट मटेरियल में रिलीज होगा, तो क्या होगा, हमारे केमिकल चेंजेस होगा। तो देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज क्या, जो मैंने आपको बताया डिसॉल्विंग द सुगर इन द वाटर, फिर हमारा मेल्टिंग इन द वैक्स, और हमारा पिटिंग एल्युमिनियम टू मेक द एल्युमिनियम, केमिकल चेंज फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ द कोयल एंड डाइजेशन ऑफ द फूड। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में इसमें दिया है कि हमारा स्टेट नोटबुक, आपको सही आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में। सबसे पहला हमारा कटिंग ए लॉग ऑफ द वुड, हमने लकड़ी के जो लट्ठा है जो बड़ा होता है जो पेड़ से काट के करता है, हम उसकी लकड़ी कर दिया, उसको लकड़ी का जो लकड़ी थी हमने छोटे छोटे पीसीज में कर दिया, क्या वो केमिकल चेंज है? नो, ये हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमने उसको सिर्फ शेप को ही हमने उसमें चेंज किया, लेकिन रहेगा तो वुड ही, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसकी सारी वो क्या होगी, वो हमारी वुड ही रहेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स होगी। दूसरी हमारे फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूवर, मैन्यूवर हमने बनाया मतलब खाद को बनाया लीव से, क्या फिजिकल चेंज, ये हमारे केमिकल चेंजेज है। क्यों? क्योंकि हम उसको मैन्यूअर को दोबारा उस लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हमारा केमिकल, एक नया चीज बना हमारी खाद। फिर हमारा आयरन पाइप हम कोडेड है जिंक, जिंक से हमने उसको कोडेड कर दिया, तो डू नॉट गेट रस्टेड इजली, क्या वो आसानी से रस्टेड नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, ये स्टेट हमारी ट्रू है। फिर हमारा दूसरा है, क्योंकि ये जो जिंक की जो हमने इसमें परत डाल दी वो एयर से और जो भी ऑक्सीजन उससे कॉन्टैक्ट नहीं होगी, इसलिए हमारा आयरन पाइप पे जंक नहीं लगेगा। आयरन और रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, क्या वो सेफ सब्सटेंसेस है? नहीं, वो अलग अलग होते हैं, जो आयरन अलग होता है रस्टेड अलग होता है, क्योंकि रस्टेड को हम दोबारा आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज ए स्टेटमेंट क्या होगी, ये हमारी फॉल्स होगी। फिर कंडीशन ऑफ द स्टीम, भाई हमने जो स्टीम में जो भाप है उसको हमने इकट्ठा करके क्या पानी बना लिया, तो क्या हुआ, इट इज नॉट केमिकल चेंजेज, हाँ ये केमिकल चेंजेज नहीं है, क्या हमारा फिजिकल चेंज है। तो इसमें सिर्फ टू स्टेटमेंट है करेक्ट, हमारा सी है और हमारा इसमें ई है। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज द पास थ्रू द लाइम वाटर, जब भी हम चूने के पानी से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास हो गई है तो इट टर्न मिल्की, हाँ वो व्हाइट कलर की मतलब क्या मिल्की दूध जैसी बन जाती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन किसके, जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से CaCO3 की वजह से मिल्की में बन जाती है, ठीक है, जब हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमारी किस में बन जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट में, और इसका जो सूत्र है CaCO3। फिर हमारे इसमें है कि बी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक मैचिंग वर्ड तो आपको करने ही करने हैं। फिर हमारे इसमें बी आता है केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, यह हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, ये हमारा NaHCO3, ये पूछा जाता है कि भाई इसका क्या है, तो इसका सूत्र भी पूछ लेते हैं, आपको फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब सी है हमारे इसमें, तो टू मेथड है, बाई विद द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैप भी प्रिवेंटेड, मतलब जो भी रस्ट हो रहा है आयरन पे हम उसको दो तरह से रोक सकते हैं, ग्रीसिंग के द्वारा और गल्वेनाइजेशन के द्वारा, हम दोनों ही तरीके से इसको क्या नाम रोक सकता है। फिर हमारा इसमें डी है, तो चेंजिंग इन द विच ओनली, तो चेंज बदलना केवल फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिल, मतलब यदि उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज हो रहा है, जैसे हमारे वुड से छोटे छोटे पीस में कर देते तो वो तो वुड ही रहेगा ना, तो वो क्या फिजिकली चेंज ही रहेगा। अब जो किसी भी चेंज से हमारे नया चेंजेस नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नई वस्तु बन जाते हैं, तो हमारे केमिकल चेंज होगा। जैसे हमने लकड़ी को जलाया, किस में चला जाएगा, वो एसिड में चला जाएगा, एसिड का मतलब कार्बन में चला जाएगा, फिर उससे क्या हीट भी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और भी चीज़ें रिलीज होगी, तो नया सब्सटेंसेस उससे चला गया।
क्वेश्चन नंबर फोर की रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें दिया है कि व्हेन द बेकिंग सोडा मिक्स, जब हम बेकिंग सोडा को हम कैरम लेमन जूस में हम मिक्स कर देते हैं तो बबल्स आर द फॉर्म विद द एलिवेशन ऑफ द गैस, कि जो एलिवेशन निकलती है उससे गैस, उससे बबल्स निकलता है। ये कह रहे कि वाई द टाइप ऑफ चेंज, कौन सा तरह का चेंज है। अब देखो बेकिंग सोडा है भाई, हमने लेमन जूस में बेकिंग सोडा, तो बबल्स निकलेंगे तो उससे क्या क्या रिलीज होगा, हमारा साल्ट रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर, तो नए सब्सटेंसेस बना, तो ये क्या होगा, ये हमारा रिएक्ट बनेगा, ये बनेगा हमारा एसिड, रिएक्ट करेगा विद कार्बोनेट के साथ और साल्ट फॉर्म होगा, रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। तो आपने देख लिया किस तरह का ये हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा पहले तो बेकिंग सोडा थे और लेमन जूस था, इसमें जब रिएक्ट करा इसने एसिड की वजह से रिएक्ट करा तो उससे साल्ट रिलीज हुआ, फिर हमारा कार्बन साइड रिलीज हुआ और फिर हमारा वाटर रिलीज हुआ, तो ये हमारा केमिकल चेंजेज होगा। फिर हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव की रीजन कर लेते हैं कि हमें कहते हैं कि व्हेन जब कैंडल, जब एक जो कनम कैंडल होते हैं मोमबत्ती वो बर्न जलती है, बहुत फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, इसमें दोनों ही चेंजें हो जाती है, फिजिकल केमिकल चेंज, आइडेंटिफाई दिस द चेंजेस हमें बताना है, आइडेंटिफाई पहचानना है कि गिव द अनदर एग्जांपल ऑफ द फैमिलियर प्रोसेस ऑन द विच द बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस द टेक प्लेस। आप दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हो कि जिसमें केमिकल फिजिकल दोनों ही चेंज होगा। अब फिजिकल चेंजेस क्या होगा, ऑन द हीटिंग, जब ये गर्म होगा तो जो कैंडल जो वैक्स है गेट इन द मेल्टिंग द फिजिकल चेंज, मतलब भाई मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती हमने जलाई, ठीक है, ये हमारी जो मेल्ट हो गई इतनी छोटी हो गई, तो क्या होगा कि ये जो मेल्टिंग हो गई तो फिजिकल चेंज, इसका साइज ही तो छोटा रहेगी तो वो कैंडल ही, लेकिन अगेन इन द टर्न इनटू सॉलिड वैक्स, और ये जी मोम पिघल जाता है हम उसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते, तो ये हमारे फिजिकल चेंजेज है। अब वो केमिकल चेंजेस किस तरह से होगा, तो इसमें केमिकल चेंजेज है हमारे कि जो वैक्स है नियर इन द फ्लेम, जब हम वैक्स को हम फ्लेम के साथ लाएंगे वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो एक नव सब्सटेंसेस बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसमें, अब कार्बन सूट निकलेगा, कार्बन की गैस निकलेगी, फिर हमारा क्या ना वो भी भाप भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी, लाइट भी मिलेगी, तो ये सारे हमारे क्या होगा केमिकल चेंजेस हो जाएगा। कार्बन सूट का मतलब क्या होता है कि जो सूट होता है ये, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कार्बन का मतलब जो काला रंग की जो जिसके मतलब ब्लैक ब्लैक कलर का जो चीज़ें निकलती है उसको कार्बन सूट बोलते हैं, वाटर वेपर और हीट या लाइट, तो ये क्या होगी नया सब्सटेंस इससे निकला। फिर हमारे इसमें है कि कुकिंग, अब इसने दूसरा एग्जांपल पूछा क्या दोनों, अब कुकिंग फूड है, अब हमने खाने को बना रहे हैं, इस अनदर एग्जांपल बोथ ऑफ फिजिकल केमिकल चेंजेस, ये दोनों ही तरह का इसमें हो सकता है। आगे देखते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है कि हाउ वुड यू सो द सेटिंग ऑफ द कर्ड केमिकल चेंज। अभी कह रहे कि जो भी आपने तो ये जमा दी क्या वो केमिकल चेंजेज, यस दिस इज केमिकल चेंजेस, क्यों, क्योंकि हम दोबारा उसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेटिंग द कर्ड इन केमिकल चेंजेस, मतलब जो हम दही को जमाते हैं वो केमिकल चेंजेज है, क्योंकि हमारे न्यू सब्सटेंसेस बना, उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। इन द फॉर्म द विच द डिफर इन द टेस्ट ऑफ, टेस्ट में भी उसमें अलग बनाएगा ओरिजिनल सब्सटेंसेस, तो फैट एंड प्रोटीन, जिसमें हमारा जो दूध था उसमें फैट प्रोटीन था, तो जैसे दूध का हम टेस्ट देखेंगे तो वो अलग होगा और हमारे जब कड़ का देखेंगे वो अलग होगा। तो आल्सो द चेंज इज द रिवर्सेबल, मतलब जो बदलाव होना ये भी हमारा जो मिल्क से और जो भी हम कर्ड बनाएंगे तो कर्ड से क्या होगा कि ये हमारा एक रिवर्सेबल, मतलब हम इस मिल्क से मतलब कर्ड से मिल्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हमें कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द मिल्क, इसलिए क्या होगा केमिकल चेंजेस होगा। फिर हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में एक्सप्लेन करने की वाई द बर्निंग ऑफ द वुड एंड द कटिंग इट इनटू, भाई हमारे की मतलब लकड़ी को जला देना और उसको छोटे छोटे पीसेस में करना, तो टू डिफरेंस टाइप चेंजेज होगा, यस, तो जब बर्निंग कर देंगे वुड को, जब जलाएंगे तो केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि जो वुड एंड बर्निंग कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, मतलब क्या कि जो लकड़ी जलकर क्या बनेगी, एसिड बनी, एसिड का मतलब कार्बन बनी, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसमें से, वाटर वेपर की भाप निकली, फिर हमारा हीट निकली, लाइट निकली, तो ये इस तरह की सब्सटेंसेस है। अब ये कह रहे कि ये चेंज क्या हो, इरिवर्सिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको ये क्या है इरिवर्सिबल चेंजेज है, मतलब जब भी हम वो एसिड होकर एसिड को दोबारा हम फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दिस इज ए केमिकल चेंजेस। वाइल द कटिंग ऑफ द वुड द स्मॉल पीसेज, यदि हमने किसी भी वुड को लकड़ी को छोटे छोटे पीसेज में काट दे वो हमारा फिजिकल चेंजेज होगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कंपोजिशन तो उसकी सेम ही है, उसकी प्रॉपर्टीज हमारी लकड़ी वाली रहेगी, कोई दूसरी नहीं रहेगी, तो वुड डज नॉट चेंज, उसमें लकड़ी तो चेंज नहीं हुई, तो इसलिए कोई भी सब्सटेंसेस में नहीं बना, वो लकड़ी है तो लकड़ी रहेगी, इसलिए हमारा फिजिकल चेंज है, और जो बर्निंग होगा तो हमारे केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर एट की रिविजन कर लेते हैं, डिस्क्राइब द हाउ द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट ऑफ द पेपर, किस तरह से हम जो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को तैयार कर सकते हैं, तो ये ऐसे ऐसे आते हैं ना इस टाइप से, जैसे वो आपने देखा होगा आपकी बुक में लास्ट में इस तरह से वो बन जाते हैं वाइट कलर का। क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर फ्लो, आप सबसे पहले हमें टेक लेना है एक वाटर बीकर लेना, उसमें कुछ ड्रॉप हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देना है, पानी पानी लेकर उसमें
कुछ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड की डाली, फिर हमने हीट करा उस वाटर को, फिर हमने वो स्टार्ट बॉइलिंग स्टार्ट कर दिया, फिर हमने जब बॉइलिंग स्टार्ट कर दिया तो हमने कॉपर सल्फेट का कुछ पाउडर डाला और धीरे धीरे उसको हम मिलाते रहे। अब कंटिन्यूस हम एडिट करते रहे जो कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है, धीरे धीरे करते सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन आपको 6th क्लास में पढ़ा था, सैचुरेशन का लेवल का मतलब क्या होता है कि वो कंडीशन आ जाती है जब हम उसमें हो जाते चीज़ें नहीं मिला, मतलब पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, हमने उसमें मिलाते रहे मिलाते रहे मिलाते रहे, एक स्टेज आ जाएगा कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, वो हमारे सैचुरेशन लेवल होता है, ठीक है। तो वहाँ तक मिलाएंगे हम कॉपर सल्फेट जहाँ तक सैचुरेशन लेवल नहीं हो जाए, उसके बाद जो सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे हम उसको और उसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो लीव अनडिस्टर्ब इन द सॉल्यूशन वेन कूलिंग, जब वो ठंडा हो रहा है हम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वी कैन द ऑब्जर्व द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स, और कुछ घंटे के बाद क्या हो जाएगा कि वो जो क्रिस्टल क्या बनता है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमें एक्सप्लेन करें हाउ द पेंटिंग इज द जो आयरन गेट पर यदि पेंटिंग कर दी जाए तो वो आयरन रस्टिंग से किस तरह से रुक सकती है। तो ये कह रही है कि फॉर रस्टिंग के लिए जो क्या जरूरत होती है कि उसमें हमारी जो ऑक्सीजन और यदि वाटर हो जाए तो हमारी रस्टिंग लग जाती है उसमें लोहे में। तो कह रही है जो कोट ऑफ द पेंट, यदि हम उसकी एक परत लगा देंगे, कोट लगा देंगे तो हमें रोक देगी जो भी कॉन्टैक्ट आयरन पर एयर का और ऑक्सीजन दोनों का ही कॉन्टैक्ट को खत्म कर देगी, इसलिए क्या होगी वो हमारी रस्टिंग से रुक जाएगी, ये कारण है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया है कि जो रस्टिंग है आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन द कोस्टल एरिया दैन द इन द डेजर्ट, मतलब कि जो रस्टिंग की जो प्रक्रिया है हमारे जो कोस्टल समुद्री एरिया उसमें ज़्यादा होती है, डेजर्ट जो भी रेगिस्तान वाले एरिया उसके अकॉर्डिंग क्यों होती है। तो फोर्थ रस्टिंग प्रजेंट भाई रस्टिंग का कारण प्रजेंट उपस्थिति है ऑक्सीजन की मॉइस्चर की हवा में, तो इससे क्या होगा कि जो कोस्टल एरिया में काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होता है कंटेनिंग एयर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर हो सकता है, नमी होती है एंड हाईली ह्यूमिडिटी होती है कंपेरिजन टू डेजर्ट रीजन में क्या लो ह्यूमिडिटी होगी, इसीलिए क्या कोस्टल एरिया में ज़्यादा जंग लगने की प्रक्रिया होती है और ज़्यादा तेजी से लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि गैस वी यूज इन किचन, जो भी गैस यूज होती है उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है LPG की फुल फॉर्म क्या है, तो हमारा लिक्विफाइड द पेट्रोलियम गैस फिर इन द सिलेंडर इन एग्जिस्ट, सिलेंडर में किस तरह की होती है गैस हमारी लिक्विड होती है, और जब ये बाहर आती है सिलेंडर से तो वो भी गैस के रूप में होती है, तो इसका मतलब गैस थी और गैस ही हुई। तो केमिकल मतलब इसमें चेंज ए में क्या हुआ, तो हमारे फिजिकल चेंज हो गए, गैस थी और गैस ही रही, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदली, देन इट बर्न, लेकिन चेंजिंग टू बी में क्या हुआ कि वो कुछ जल गई, जब वो जल गई तो गैस के रूप में हुई, हीट के रूप में हुई, तो वो क्या केमिकल चेंज होगा। अब हमें बताने कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, अब क्या फिजिकल ए, अब प्रोसेस ए में केमिकल चेंज है, नहीं वो फिजिकल चेंजेज है क्योंकि हमारा गैस थी गैस ही रही, फिर हमारा बी में केमिकल चेंजेज है, तो हाँ ये केमिकल चेंजेज था, यही हमारा आंसर है। थर्ड और देख लेते कि बोथ द प्रोसेस ए और बी आर केमिकल चेंजेज, नहीं ए में हमारा फिजिकल चेंज है और बी में हमारा केमिकल चेंजेज है, नन ऑफ द प्रोसेस केमिकल चेंज, दोनों में कोई सा भी केमिकल चेंजेज नहीं, लेकिन बी में, तो इसमें ओनली जो हमारा बी है वही हमारा इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन 12, इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एनोरबेटिक जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं एनिमल वेस्ट और क्या प्रोड्यूस करेगा बायोगैस, भाई ये क्या करेगी एनिमल वेस्ट था और इसको प्रोड्यूस गैस में, मतलब एनिमल वेस्ट से किस बायोगैस में, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज होगा, चेंज ए में बायोगैस आर देन, लेकिन बायोगैस जब वो बर्न हुई है फ्यूल के रूप में हमने यूज केमिकल चेंज, जब बोले तो वो भी हमारा कार्बन क्या करेगी, एक नाम बायोगैस हुई वो हीट रिलीज करेगी, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी बिना चेंज हुआ, तो भी कह रही कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो प्रोसेस ही केमिकल चेंजेस, यस ये ठीक है, प्रोसेस भी ये भी केमिकल चेंजेस है, बोथ द प्रोसेस ए बी आर केमिकल से वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही, तो ये हमारा थर्ड इसका आंसर है कि दोनों ही हमारा केमिकल चेंजेस है, और यदि आप फोर्थ देखें तो ये केमिकल चेंजेस नहीं, लेकिन इसमें हमारे केमिकल चेंज तो बी है। तो हमारी जो चैप्टर 5 तक हमारी रिविजन कंप्लीट हो गई है, बस एक नेक्स्ट वाले में दो चैप्टर बच गए वो मैं आपको करवा ही दूंगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी साइंस की हमारी रिवीजन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है, तो हो सकता है मैं आपको शाम को प्रोवाइड कर दूँ दोनों लेसन की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।